असलम डियर स्टूडेंट आज हमने जो आर्टिकल डिस्कस करना है हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर रहे हैं ये आर्टिकल लिखा है मैके ने एंड वॉगेड ने 2017 में आर्टिकल का नाम है एक्सपर्ट व्यूज़ ऑन टी पैक फॉर अर्ली लिटरेसी और इसके अंदर हम देखेंगे कि वो मज़ीद हमें क्या बताते हैं और लिटरेचर रिव्यू हमें और मज़ीद क्या गाइड करता है अगला लिटरेचर रिव्यू जो इनके आर्टिकल के अंदर मौजूद है जो हमें हेल्प करेगा जिस चीज़ को समझने के लिए वो ये है कि हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को टेक्नोलॉजी uh, के साथ जब हम मिलाते हैं और उसमें पैडाग्रॉजी भी मिलाते हैं और कंटेंट भी मिलाते हैं तो ये तमाम चीज़ें तीनों मिलके कैसे फोकस नॉलेज बन सकती हैं और कैसे हमारे टीचर्स को हेल्प आउट कर सकती हैं तो बेहतर तरीके से तीनों चीज़ों को इंटीग्रेट करें और अपनी अर्ली ईयर क्लासरूम में आके अपने बच्चों के साथ बेहतरीन एक्टिविटीज़ बना सकें असमेंट बना सकें और कॉन्टेंट की डिसमिनेशन कर सकें ये ज़रूरी है हमारे टीचर्स के लिए कि वो ये समझ सकें कि आपने जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने जा रहे हैं उस टेक्नोलॉजी की बुनियादी तौर पर रिक्वायरमेंट क्या है आ, उसके अंदर कौन कौन सी टेक्निकलिटीज़ हैं उसके अंदर कौन कौन से फ़ीचर्स मौजूद हैं उनको कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है उनका पर्पज़ क्या है उनके फंक्शंस क्या हैं और वो तमाम फंक्शंस आपके काम कैसे आ सकते हैं स्पेशली जब आप कोई स्पेसिफ़िक सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं या उसके मतलब अब एक्टिविटी बना के स्टूडेंट के पास लेके जा रहे हैं तो आप अर्ली इयर्स में या अर्ली ग्रेड के अंदर जब हम कंटेंट पढ़ाते हैं तो ना सिर्फ हम कंटेंट के लिए इंस्ट्रक्शन को प्लान आउट करते हैं लेसन प्लानिंग के थ्रू आइए सोचते हैं लेसन प्लानिंग में कि हमने क्या चीज़ें पढ़ानी है और किस तरीके से पढ़ानी है एक्टिविटीज़ की नेचर क्या होगी डिस्कशंस होंगी गेम्स होंगी प्ले होगा इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़ होंगी बल्कि हम उनके साथ साथ ये भी देखते हैं कि आखिर जो आप पढ़ाने जा रहे हैं आपके जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है उसकी असेसमेंट भी कैसे होगी तो जो भी आप टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं गैजेट एप्स यूज़ करने जा रहे हैं आ, उस टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट के लिए ज़रूरी है कि वो जेल इन करें उसके फीचर आपके कॉन्टेंट के साथ और आपकी असेसमेंट और इंस्ट्रक्शन के साथ तो ये एजुकेटर्स के लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि ये टेक्नोलॉजी जो है और उसके जो फीचर्स हैं जो जी भी आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं इवन कि वो पावर पॉइंट स्लाइड ही क्यों नहीं है तो उसका स्कोप क्या है आपकी करिकुलम के अंदर आपके जो भी आप पढ़ा रहे हैं क्या आप उस पावर पॉइंट स्लाइड्स के थ्रू वो एक्टिविटीज़ करवा भी सकते हैं या नहीं करवा सकते पावर पॉइंट स्लाइड्स अगर आप यूज़ करने जा रहे हैं तो उसके अंदर ऐसी क्या मल्टी के अंदर चीज़ें मौजूद हैं जिसके आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपके कॉन्टेंट और असेसमेंट दोनों पॉसिबल हो सकेगी अच्छे तरीके से इंस्ट्रक्शन करना उस कॉन्टेंट को बच्चों को समझाना और फिर उसकी असेसमेंट भी करना तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाती हैं जब हम अपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिसमें हमारी टेक्नोलॉजी भी है जिसके अंदर हमारे पैडागोजी um, भी है और कॉन्टेंट नॉलेज भी आ रहा है तो हमने ये देखना है कि हम बच्चों की इंडिविजुअल नीड्स को भी अंडरस्टैंड करें ये भी हमारी पैडागोजी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है बच्चों का डिफिकल्टी लेवल जो उनका कॉग्निटिव लेवल है या डेवलपमेंटल लेवल है कि आपके सब्जेक्ट में वो क्या है डेफिनेटली वो आप अपनी करिकुलम से देख लेते हैं ग्रेड वन या टू का जो भी डिफिकल्टी लेवल होता है या काग्नीटिव लेवल होता है वो डिफरेंट होता है ग्रेड uh, फाइफ और सिक्स से जो उनका कागनीटिव लेवल रिक्वायर्ड होता है किसी भी सब्जेक्ट में वो डिफरेंट होता है नाइन्थ और टेंथ से तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो आप जिस क्लास को पढ़ाने जा रहे हैं जो आपका ग्रेड है उस ग्रेड में उस कॉन्टेंट का कौन सा कागनीटिव लेवल रिक्वायर्ड है उसके मुताबिक ना सिर्फ हम कॉन्टेंट चूज़ करते हैं इंस्ट्रक्शन के मैथड चूज़ करते हैं बल्कि उसी के मुताबिक हम टेक्नोलॉजी भी चूज़ करते हैं जो हमें गाइड करती है अच्छी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी बनाने में और मज़ेदार किस्म की असेसमेंट और अवेलुशन को डिज़ाइन करने में हम ये भी देखते हैं कि हम बच्चों में सेल्फ रेगुलेटरी स्किल्स कैसे डिवेलप करेंगे आ, बच्चे जो हैं इंडिपेंडेंट लर्नर कैसे बनेंगे बच्चे जो हैं आ, उनके अंदर रीडिंग कैपेबिलिटीज़ कैसे आएंगी और कंसिस्टेंट रीडिंग एबिलिटीज़ कैसे डिवेलप होंगी और टेक्नोलॉजी उनको किस तरीके से मदद करेगी तो आप कैसी असाइनमेंट्स चूज़ करेंगे जो टेक्नोलॉजी से जेल इन हो और आपके करिकुलम के लर्निंग ऑब्जेक्टिव से जेलिन हो ताकि आप बेहतर किस्म की जो है चॉइसेस जो हैं उनको ऑप्ट कर सकें और बेहतर लेसन प्लानिंग कर सकें और बेहतर किस्म की आप एक्टिविटीज़ डिज़ाइन कर सकें तो आपकी ना सिर्फ ये देखना है कि आपकी बच्चे की कैपेबिलिटीज़ क्या हैं जो आपकी क्लास में डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं बल्कि आपने ये भी देखना है कि जो टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो आपकी इंस्ट्रक्शन से और आपकी करिकुलम से कंपैटिबल है भी या नहीं लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आती है वो ये आती है कि जब हम टेक्नोलॉजी कभी भी इस्तेमाल करने जाते हैं तो वो सक्सेसफुली तभी इंटीग्रेट हो सकती है जब आप अपना कॉन्टेक्स्ट जानते हैं आप अपनी क्लासरूम जानते हैं आप अपने बच्चों को जानते हैं आप ये जानते हैं कि आपके क्लासरूम में बच्चों किस के किस किस्म के डायनामिक्स हैं कैसे डेमोग्राफिक्स हैं उनकी क्या नीड्स हैं और डेफिनेटली आप अपनी स्किल्स को भी जानते हैं कि आपके अंदर किस किस्म की स्किल्स हैं कौन सा नई टीचिंग मेथड्स हैं जिससे ये सब्जेक्ट पढ़ाया जा सकता है और आपको अपनी कंटेंट में इतनी फ्लुएंसी होनी चाहिए जो उस लेवल के बच्चों को पढ़ाने के लिए रिक्वायर्ड है फिर हम इन तमाम चीज़ों को टेक्नोलॉजी के साथ पैक करते हैं और फिर टेक्नोलॉजी की भी समझ आती है कि हम इसको किस तरीके से अपने करिकुलम के ऑब्जेक्टिव के साथ और अपनी स्किल्स के साथ और बच्चों की नीड्स को सामने रखते हुए चूज़ कर सकते हैं चाहे वो ग्रुप्स में हो चाहे उनकी इंडिविजुअल नीड्स हों तो दिस इज़ द बेस्ट वे टू थिंक अबाउट के हम किस तरीके से बेस्ट तरीके से इन तीनों चीज़ों को मिलाएं अपने कॉन्टेंट और क्लास को देखते हुए उसके रिक्वायरमेंट को देखते हुए एक बेहतरीन लेसन प्लानिंग डिज़ाइन की जा सकती है यही मकसद है टीपैक का कि आपको कॉन्टेंट नॉलेज भी दे जिसके अंदर वो ये बताता है कि टेक्निकल नॉलेज कॉन्टेंट नॉलेज और पैटागॉजिकल नॉलेज के बगैर कुछ भी नहीं असर करती और उसको सेंसबली क्लास में डिसमिनेट करने के लिए ज़रूरी है कि आपको पैटागॉजिकल कंटेंट और टेक्निकल नॉलेज तीनों होना चाहिए